मैं एक बात करना चाहता हूँ, मतलब दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट मोदी जी, ये चूरिंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर्स हो गया और हर दिन लोग मर रहा है और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छे से नहीं मिल रहा है और बच्चा लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर, और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए प्लीज। दिल से मतलब अंदर से मैंने बोला था और किसी ने भी ये बोलो ये करो कुछ भी नहीं बताया, और मैंने एक पॉलिटिशियन का भी कुछ भी नहीं पता, मैं तो ओनली सिर्फ खिला रही हूँ। और मैंने पता चला था मणिपुर में क्या हुआ क्या कर रहा है, इसके लिए मैं इसके बारे में थोड़ा मतलब हेल्प करने के लिए मैंने भी मतलब रिक्वेस्ट किया था। मेरा फैमिली मणिपुर में रहता है, मेरा फादर तो एक्सपायर हो चुका है, मेरा मामी है, मेरा वाइफ, मेरा 3 बच्चा है घर में। दिन में 6 आवर्स 7 आवर्स प्रैक्टिस करता है, हम लोग एक्स्ट्रा भी करते हैं। फाइट गेम में तो मज़ा भी आता है और मरने वाला भी फील भी आता है, कभी कभी सोचता है फाइट गेम में आता है अस नेक्स्ट फाइट में तो नहीं फाइट नहीं करूँगा, इतना बॉडी थक जाता है, ये करता है और फिर से फाइट हो गया, फिर से 2 दिन के बाद तो फिर से फाइट लेने के लिए मरना आता है। I'm undefeated. I can't be beaten. I got the secret. I got the power. 2006-07 से मैं रेसलिंग स्टार्ट किया था और MMA तो बहुत लेट से ज्वाइन किया, 2017-18 से मैंने ज्वाइन किया। मूवी देखता है मतलब थाईलैंड का रिंग में अंदर रिंग के अंदर फाइट करता है, मैं बचपन से छोटा करने के टाइम में बहुत पसंद है ये फाइट। और कोच ने रखा था इंडियन राइनो, तो रेसलिंग के टाइम में डोमिनेट किया था, इसके लिए कोच ने आयुष चुंगड़े को आप तो राइनो ही है। इसके लिए स्पोर्ट्स तो मीडिया भी है और इसके पीस के लिए भी मतलब ऐसा लोग देख सकता है, और इसके लिए मैंने पीस के लिए बात किया था, पैर भी लग गया था और इसके बाद मैंने बहुत मेरा मणिपुर लोग मेरा मैंने क्या कहते हैं दिल से बहुत प्यार आता था, इसके लिए मैंने ये पीस के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था। और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए प्लीज़।